आप सभी को स्वागत है। मैं आज पौधों के बारे में बात करूंगा, पौधे के मुख्य भाग एवं उनके कार्यों के बारे में। हम लोग लॉकडाउन के अंतर्गत अपने घरों पर हैं, घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो समय का सदुपयोग करते हुए मेरी कोशिश है कि मैं आपको मेरे घर में जो भी रिसोर्सेस उपलब्ध हैं उनके माध्यम से आप तक विज्ञान के कुछ नए वीडियोस पहुंचाऊं, एक्टिविटी बेस्ड हो, जिनको देख के आप कुछ अध्ययन कर सकें, पढ़ सकें। ये वीडियो ऐसे होंगे जो एक्टिविटी बेस्ड होंगे। इसमें मैं शुरुआत कर रहा हूं पौधों से। पौधे के मुख्य भाग एवं उनके कार्यों के बारे में आज बताऊंगा। आगे की वीडियोस में आपको पौधों से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा। पर डे मेरी कोशिश है कि पर डे एक या दो वीडियो आपके लिए मैं अपलोड कर सकूं, और आप लोग भी नोटबुक रखें और जितने भी वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूं उनको देखें, समझें और नोट भी करें। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम पौधों के मुख्य भागों एवं उनके कार्यों के बारे में। सबसे पहले ये नोट्स देख लें। इसमें जो डायग्राम बना है इसको देखें, समझें, उसके बाद फिर मैं इसमें नाम लिखा हुआ है कि कौन सा पार्ट किस नाम से जाना जाता है पौधे का। बाकी मैं भी आपको डिटेल इस प्लांट के माध्यम से बताऊंगा। तो चलिए अब देखते हैं। ये है प्लांट। इसमें जितने भी मुख्य रूप से भाग होने चाहिए वो सब कुछ यहाँ उपलब्ध है। हम लोग जानते हैं कि पौधे के जो भाग होते हैं मुख्य रूप से दो होते हैं। पहला है रूट सिस्टम, दूसरा शूट सिस्टम। रूट सिस्टम ये है जो जमीन के नीचे का भाग होता है वो रूट सिस्टम कहलाता है, और जो जमीन के ऊपर का भाग होता है वो कहलाता है शूट सिस्टम। अंडरग्राउंड पार्ट जो है वो रूट सिस्टम है, एबव ग्राउंड पार्ट शूट सिस्टम कहलाता है। ये अंडरग्राउंड पार्ट देखिए, अंडरग्राउंड पार्ट में जो जड़ है मुख्य रूप से, ये जड़, ये रूट, इस रूट में एक प्राइमरी रूट होता है, प्राइमरी रूट। ये जो मुख्य जड़ एक दिख रही है इसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी रूट कहेंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा, प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट से फिर सेकेंडरी रूट निकलती है। जो मुख्य और मोटा है ये प्राइमरी रूट है। प्राइमरी रूट से ये देखिए, ये मुख्य जड़ है, इससे जो साइड में निकली हुई है ये है सेकेंडरी रूट, और सेकेंडरी रूट से भी आगे टर्सरी रूट निकलते हैं। ये देखिएगा, ये सेकेंडरी रूट है, और सेकेंडरी रूट से ये जो निकला हुआ है ये है टर्सरी रूट। ये आपको दिख रहा है, ये है टर्सरी रूट, और टर्सरी रूट भी आगे कुछ छोटे छोटे आगे छोटे छोटे रूट में, उसको हम कहेंगे रूटलेट्स, उनको हम कहेंगे रूटलेट्स, रूटलेट्स में डिवाइड होते हैं। इस तरीके से हम ये रूट सिस्टम देख लें। रूट सिस्टम में मुख्य रूप से क्या है, प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट से फिर सेकेंडरी रूट, सेकेंडरी रूट से टर्सरी रूट, और टर्सरी रूट से रूटलेट्स। इस तरीके से ये हो गया रूट सिस्टम। रूट सिस्टम का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, वाटर एब्जॉर्ब करना। ये रूट से, रूट के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब करता है और प्लांट को सॉइल में, मिट्टी में होल्ड करके रखता है। ये दो मुख्य रूप से इसके काम हो गए, किसके, रूट के। अब रूट के बाद बात करते हैं शूट की। तो ये जो जमीन के ऊपर का पूरा भाग दिख रहा है ये कौन सा भाग है, ये शूट सिस्टम कहलाता है। और शूट सिस्टम में जो मुख्य रूप से है, पहला पार्ट मैं बात करूंगा स्टेम। ये जो स्टेम है ये क्या है, स्टेम, एक प्लांट की बात कर रहे हैं, यह स्टेम है। और स्टेम का मुख्य काम होता है प्लांट को सपोर्ट करना, प्लांट को सपोर्ट करना। और दूसरा काम है स्टेम में सपोर्ट करने के साथ साथ इसके अंदर से जाइलम और फ्लोएम भी जाता है, जो कि रूट से वाटर को प्लांट के पूरे पार्ट तक पहुंचाने में हेल्प करता है, और साथ में जो लीफ में फूड मटेरियल बनता है उसको भी पूरे बॉडी में, प्लांट की पूरी बॉडी में पहुंचाने का एक पैसेज देता है, एक रास्ता देता है जाइलम फ्लोएम। इनके माध्यम से ही फूड मटेरियल, मिनरल्स को, वाटर को कैरी कर पाता है। तो दूसरा जो भाग है वो क्या है, स्टेम। स्टेम में एक चीज और बताना चाहूंगा, स्टेम में मुख्य रूप से नोड और इंटर नोड पाए जाते हैं। ये जो सोलन फूला हुआ भाग दिख रहा है जहां से लीव्स निकलती हैं ये कहलाता है नोड,
ये क्या कहलाता है, ये नोड कहलाता है। जैसे ये भाग हो गया, ये हो गया नोड, ये नोड है। जहां जहां से नई ब्रांच निकल रही है, नई लीव्स निकल रही है, ये कहलाता है नोड। फूला हुआ थोड़ा सा होता है, देखेंगे आप गन्ने में भी देख सकते हैं, जो गन्ने में बीच में गांठ वाली भाग है, गांठ का भाग है, वो क्या है, नोड है। ये नोड, नोड से ही लीफ निकलती है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए नोड से ही लीफ निकल रही है, और यहां पर एक छोटा सा आप देखेंगे वो कहलाता है एक्सिलरी बड। क्या कहलाता है, एक्सिलरी बड। यहां से जहां से लीफ निकलता है, वहां से जैसे ये देखिए ये लीफ निकली हुई है, और लीफ के साथ साथ यहां पर ये जो नया स्टेम, नई ब्रांच निकली है, स्टेम नहीं ब्रांच जो नई निकली है, ये यहाँ पहले एक छोटा सा एक्सिलरी बड होता है। यही एक्सिलरी बड बाद में कन्वर्ट किसमें होता है, ये कन्वर्ट होता है एक नए ब्रांच में। इस तरीके से ये एक्सिलरी बड होता है, ध्यान रखेंगे। कहाँ, ये नोड पे पाया जाता है, लीफ के और स्टेम के बीच में, लीफ और मेन स्टेम के बीच में एक्सिलरी बड पाया जाता है। ये हो गया स्टेम। अब स्टेम के बाद बात करेंगे हम आपसे लीव्स के बारे में। ये लीफ है पौधे के, ये प्लांट का किचन कहलाता है, क्योंकि यहीं फूड मटेरियल, भोजन का निर्माण होता है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा यहाँ फूड मटेरियल बनता है। इसमें स्टोमेटा भी पाए जाते हैं। स्टोमेटा से संबंधित एक अलग एक्टिविटी में बाद में बताऊंगा आपको। इसमें स्टोमेटा भी पाए जाते हैं, जो वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है वो भी यहाँ से होती है। उसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस मुख्य रूप से भोजन बनता है, और यहीं से भोजन बन के स्टार्च के रूप में स्टोर रहता है, और ये पूरे प्लांट में सप्लाई किया जाता है। ये है लीफ। लीफ के बाद देखेंगे हम लोग फ्लावर। फ्लावर दिख जाएगा आपको यहाँ, ये देखिए ये है फ्लावर, ये छोटा फ्लावर है। फ्लावर हर एक प्लांट में आपको दिखेगा, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर। फ्लावर में भी दो पार्ट, फ्लावर का स्ट्रक्चर जब आप लोग देखेंगे तो उसमें कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम होता है। तो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और रिप्रोडक्शन के द्वारा इससे ही बीजों का निर्माण होता है। ये है फ्लावर। उसके बाद है फ्रूट। इसके बाद है फ्रूट। फ्रूट भी मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है फ्रूट। ये देखिए ये फ्रूट का निर्माण हो गया है। इसमें फ्रूट जो है वो क्या होता है, पका हुआ राइपेंड ओवरी है ये फ्रूट। इसी में सीड्स होते हैं, और सीड्स बाद में चल के फिर से जर्मिनेट होते हैं, और ये फ्रूट खाने के काम में भी आता है, और खाने के काम के साथ साथ इसमें बीज भी होते हैं, जिससे एक नए प्लांट का निर्माण होता है। बीज के बारे में बात कर लेता हूँ। तो बीज क्या है, बीज जो है वो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होते हैं। फर्टिलाइज्ड ऐसे ओव्यूल हैं जिनका फर्टिलाइजेशन हो चुका होता है, वो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल कहलाते हैं। ये इनके अंदर जो सीड होता है, वो सीड में ही प्लांट एम्ब्रियो होता है। एक एम्ब्रियो होता है जो बाद में एक जर्मिनेट होकर नए प्लांट का रूप रखता है, और उसके साथ साथ इसमें फूड मटेरियल भी रिजर्व होता है। जब प्लांट ग्रो करता है, जर्मिनेट होता है, तो उस समय उसको फूड मटेरियल की जरूरत होती है। वो फूड मटेरियल भी इसी में स्टोर होता है, किसमें, सीड में। तो इस तरीके से ये प्लांट के मुख्य भाग हो गए, जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। अब इनके पत्तियों के बारे में, स्टेम के बारे में, और भी जो चीजें होंगी वो मैं आपको बताऊंगा। फ्लावर में, फ्लावर के पहले की जो कंडीशन होती है वो बड कहलाता है। वो बड भी आप लोग जानते हैं, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, एक्सिलरी बड देख चुके हैं, नोड, इंटर नोड। अच्छा, इंटर नोड अभी बचा हुआ था। इंटर नोड देखिए, ये नोड हो गया जहां से एक नई लीफ निकल रही है, स्टेम ब्रांच निकल रही है, और दूसरा इन दोनों के बीच के भाग को हम इंटर नोड कहते हैं। ध्यान रखेंगे, नोड फूला हुआ भाग होता है जहां से पत्तियां निकल रही हैं, और एक नोड और दूसरे नोड के बीच की जो दूरी है वो इंटर नोड कहलाता है। मतलब यदि ये एक नोड है और दूसरा ये नोड है, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो इंटर नोड कहलाता है। तो इस तरीके से ये पौधों के बारे में, पौधों के भागों के बारे में आपको जानकारी दे दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी कि पौधों से संबंधित ही कुछ जानकारी आपको और दूं।
पर डे लगभग यही शाम को 7 बजे के आसपास, 6 से 7 के बीच में कोशिश है कि आपके पास वीडियोस अवेलेबल हो जाए, तो पर डे देखिएगा। लॉकडाउन के दौरान आप अपने समय का सदुपयोग करें और एक्टिविटी बेस्ड जो भी मेरे द्वारा टीचिंग की जा रही है उसको अच्छे से समझें, पढ़ें और ध्यान में रखें। धन्यवाद।